लेकिन इसको लेके बहुत मिसकंसेप्शन है, जैसे कि अगर ये ECP करेंगे तो ये ब्लड फ्लो बढ़ाएगा ब्लॉकेज वाले आर्टरीज में, ब्लॉकेज हटा देगा, ये एकदम गलत है, ये ब्लॉकेज नहीं हटाता है। दूसरा चीज, दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है कि अगर मैं ये थेरेपी ले रहा हूँ तो मैं सारे मेडिसिन बंद कर सकता हूँ, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसके बावजूद अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो ECP काम आता है। लोगों को लगता है कि ECP ले रहा हूँ थेरेपी तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई कार्डियक इवेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कार्डियक इवेंट फिर भी हो सकता है। ये ब्लॉकेजेस को ओपन कर देगा, ये ब्लॉकेजेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ जो कोलेटरल का फ्लो है उसको थोड़ा बढ़ाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देर इज नो नीड टू सी द कार्डियोलॉजिस्ट अगेन, मेरे जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनको फिर से दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ECP थेरेपी ले रहा हूँ। आपको बार बार दिखाना बहुत जरूरी है कार्डियोलॉजिस्ट को, ताकि थेरेपी चेंज ना हो और जो मेडिकल थेरेपी है वो सही से चलता रहे।